इसको जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है, उसका पोस्टमार्टम करा करके उसकी रिपोर्ट ली जाएगी क्या कारण है, उसके बाद कहा जा सकता है। क्या व्यवस्था नगर निगम की तरफ से मिली? नगर निगम से कोई व्यवस्था नहीं हुआ अभी तक, आवेदन भी दे चुके हैं नगर निगम में, वहाँ पर न जेसी भी दिया है, न चुनाव लेसी, न सफाई कर्मचारी का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, पूरा विषाक्त कीटाणु उड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं मिला है, जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे सर, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, महामारी का हो मतलब महामारी का मतलब ये हो गया है जी, बहुत नाक में बदबू हुई, गंदा एकदम हट रहा था, गंदा तो बता तुमको सबको एकदम यहाँ रह नहीं सकेगी। एक तरफ देश में कोरोना वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग संदिग्ध पाए गए हैं, वहीं भारत सरकार ने सरकारी एडवाइजरी जारी की है। इधर बिहार सरकार ने भी 31 मार्च तक सभी कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, सिनेमाघर और भीड़भाड़ वाले इलाके पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर में अज्ञात बीमारी से अब तक 100 से अधिक सुअर मर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के वार्ड नंबर 26 में सुर्खीकर इलाका में, यहां 100 से अधिक सुअर की अज्ञात बीमारी से मौत हो चुकी है। मौत ऐसी हुई है कि लगातार पिछले एक सप्ताह में विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक सुअर मर चुके हैं और इस वक्त भी कई सुअर यहाँ पर मरे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वह आपको यह तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से सुअर अवस्था में पड़े हैं। आप बिल्कुल सीधा सीधी तस्वीर देख सकते हैं सिल्क टीवी के जरिए से कि किस तरीके से सुअर जो है तो मृत अवस्था में है, सुअर जो है तो नाले में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और जो सरकारी महकमा है वह इसके प्रति बिल्कुल जो है तो गंभीर नहीं है। जो निगम प्रशासन है, जो भागलपुर नगर निगम है, भागलपुर नगर निगम के क्षेत्र में यह वार्ड आता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस वार्ड में अब तक कोई भी सुविधा मुहैया उपलब्ध नहीं कराई गई है। जब हमने यहाँ के पार्षद, स्थानीय पार्षद से बात की तो उन्होंने कहा कि आवेदन देने के बाद भी नगर निगम प्रशासन हरकत में नहीं आया है और ना ही चूना की व्यवस्था दी है, ना ही केमिकल की व्यवस्था की गई है और ना ही जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसकी व्यवस्था की गई है। हालांकि जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने अपने सहयोग से अपनी राशि खर्च कर करके गड्ढा करवाया कई स्थानों पर और जो मरे हुए सुअर थे उसको उसी गड्ढे में डाल दिया गया। गड्ढे की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि गड्ढे में इस सुअर को 100 से अधिक सुअर को अब तक जहां पर दफनाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जो ये दलित इलाका है, पूरी दलित बस्ती है, दलितों की यह पूंजी होती है, जहां पे जो दलित रहते हैं वो सुअर को पालते हैं, एक तरीके से यह उनका रोजगार है, व्यापार है, बिजनेस है, जो दलित की जो पूंजी है काफ़ी संख्या में उनकी पूंजी को ही नुकसान हो रहा है और अज्ञात बीमारी हुई है इसके कारण जो सुअर मरे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से सुअर यहाँ पर अभी भी हैं और कहीं विभिन्न स्थानों पर सुअर जो है तो मृत अवस्था में पाए गए हैं और जो स्थानीय लोग हैं उसको खोज करके गड्ढे में डलवाते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ जो भागलपुर है इसमें पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज अस्पताल है, यहाँ से कुछ 200 मीटर की दूरी पर पूर्वी अस्पताल है, बिहार का सबसे बड़ा, और हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। हालांकि मायागंज अस्पताल है उसमें भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना से जो संक्रमित लोग आए उनका इलाज वहां किया जा सके, जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। लेकिन यह जो बीमारी फैली है इस वार्ड में, सुअर जो यहाँ मर रहे हैं, आखिर क्यों मर रहे हैं, क्या कारण है, क्या बीमारी है, इसको लेकर के अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और जो निगम प्रशासन पर जो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर निगम अभी तक नींद में क्यों है, निंद्रा में क्यों सोया हुआ है, जबकि पार्षद के द्वारा निगम को सूचना भी दी गई है, लेकिन जो निगम के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए, जो निगम की टीम आनी चाहिए, वो टीम अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। हालांकि जब जिलाधिकारी प्रणव कुमार के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए पशुपालन विभाग को जांच का निर्देश दिया, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम यहां पहुंची और जो मृत सुअर थे उनका सैंपल लिया, सैंपल के द्वारा जांच की गई है। लेकिन जांच
हो रही है। इस बीच भी कई सुअर काफ़ी संख्या में यहाँ लगातार मृत पाए जा रहे हैं। तो क्यों मृत पाए जा रहे हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वह यह भी मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पूंजी थी महादलित समाज की, महादलित लोगों की जो पूंजी थी, उनकी पूंजी जो है तो डूबती जा रही है। हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि सर आप बताइए, सर आप बताइए कि क्या नुकसान क्या हुआ है और क्या मांग है आपकी। नुकसान तो बहुत गरीब लोग का बहुत बृहद पैमाने पर हुआ है, बोला जाए तो 100 से ऊपर शुगर मतलब मृत हो गया है। उसमें मुआवजा मिलना चाहिए, हम प्रशासन से भी बात करेंगे कि सबको मुआवजा मिले। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जो इनकी जो पूंजी है, जो इनका जो सुअर जो मरा है, तो उनका मुआवजा मिले। लेकिन हालांकि मुआवजा मिलना या नहीं मिलना यह आगे की बात है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सुअर क्यों मर रहे हैं। 100 से ज़्यादा तादाद में सुअर मर चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढा, दलित की ही बस्ती में यहाँ ही गड्ढा करवा दिया गया है, और ये जो सुअर है इसी बस्ती में। हालांकि जो नियम है वह नियम यह कहता है कि यहाँ पे यह बीमारी फैली है, यह संक्रमण फैली है, यहाँ जो सुअर की जो मौत हुई है, इस सुअर को कहीं दूर स्थान पर जो आबादी है उसे आबादी से कुछ दूरी पर ले जा करके गाड़ना चाहिए, दफनाना चाहिए, लेकिन ऐसी भी व्यवस्था अब तक प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भागलपुर जो स्मार्ट सिटी कहलाता है, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन यहाँ की स्मार्ट सिटी की क्या तस्वीर है, कैसी स्मार्ट तस्वीर है। बारिश भी लगातार ऊपर से बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण भी ये जो संक्रमण है इसका खतरा और बढ़ गया है। हम अपने कैमरामैन से फिर चाहेंगे कि वो आपको सुअर की तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से जो है तो सुअर यहाँ पर जो है तो मृत अवस्था में है, और जो जो इलाका है पूरा महादलित इलाका, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महादलित इलाका में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो चतुर्वर्गीय क्वार्टर है यहाँ पर सुखीकल इलाके में, उसमें लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं और लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। और इस जो महामारी का यहाँ पर ये जो सुअर जो मरे हैं, यह महामारी का रूप एक तरीके से ले चुका है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पशुपालन विभाग इसके ऊपर में क्या कार्रवाई करती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिर्फ टीवी, भागलपुर।